वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। तो आज हम जैसा कि हम DSSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं उसी कड़ी में आज हम जो कि PRT DOE के एग्ज़ाम थे जो कि 6 तारीख को हुआ था, 6-10 को, ये तीनों शिफ्ट मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग तीनों के तीनों में जो कि पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति खालिस्तान के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचन मंडल के सदस्य यही होते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो देखिए जो हमारा जो उपराष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों एमपीओ के द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्टिव जैसे कि हम बात करेंगे लोकसभा की, लोकसभा में इलेक्टेड भी आएंगे, लोकसभा में इधर देखते हैं इलेक्टेड, इधर देखते हैं नॉमिनेटेड। इलेक्टेड में आपके वे आएंगे जिनको कि हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हम चुनते हैं, जो हमारे एरिया के एमपी होते हैं वो आते हैं इलेक्टेड में। नॉमिनेटेड में लोकसभा में वे आएंगे जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि आर्टिकल 331 के तहत चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन, ये आते हैं नॉमिनेटेड में। सेम गोज यदि हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड वे होते हैं जो कि आपके राज्यों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, यानी आपके जो एमएलए होते हैं विधानसभा है वो इलेक्ट करके भेजती है इलेक्टेड। नॉमिनेटेड वे होंगे जिनको कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और ये कितने होते हैं, 12 होते हैं मैक्सिमम, हो सकते हैं राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ये तो हो गए उपराष्ट्रपति का। अब बात कर लेते हैं सेम राष्ट्रपति का कि भाई जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट आने वाले किसी भी एग्जाम में कि राष्ट्रपति का कैसा इलेक्शन होता है। इसमें देखिए इसमें केवल इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमपी दोनों सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड एमपी होते हैं, प्लस जो एमएलए होते हैं ठीक है, विधानसभा जितने भी विधानसभाएं हैं सभी की सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन इस तरीके से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमने पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आज का जो कि सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये बेसिकली आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये लगाइए कि 10 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से कम 30-40 क्वेश्चन बना सकते हैं और वो हम बना रहे हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। तो जो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन पारित किया गया, जो 74वां जो संशोधन है वो पारित किया गया। तो देखिए जो 73 और 74 अमेंडमेंट किसके लिए था, ये देखिए जो कि 73 संशोधन आपका था पंचायती राज, 74 संशोधन ये था आपका नगर पालिका। ये जो है पंचायती राज ये पार्ट 9 में, ये जो है नगर पालिका ये पार्ट 9A में है ठीक है। इसमें इन सभी का प्रोसेस, पंचायती राज में कैसे इलेक्शन होंगे वो 73 में बात किया गया है, नगर पालिका के कैसे इलेक्शन होंगे वो 74 में बात किया गया है। तो आपका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा नगर पालिका और उसके लिए चुनाव करना, यही बात की गई है किसमें, 74 संशोधन में राइट। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मूल संविधान में
फिल इन द ब्लैंक्स अनुच्छेद और भाग शामिल होते हैं। मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब था जब संविधान ओरिजिनली तैयार हुआ, ठीक है, 26 जनवरी जब इम्प्लीमेंट हुआ उस टाइम पे कितने थे, उस टाइम पे देखिए 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, ठीक है, अनुच्छेद 395 थे। यदि हम पार्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे जो आंसर है ये आई थिंक ये हिंदी में मिस प्रिंट हो रखा है, पार्ट उस टाइम पे 22 होते थे और शेड्यूल जो कि अनुसूचियां ये अनुसूचियां होती थी कितनी, 8। अभी जो फिलहाल है वो फिलहाल 450 के आसपास आर्टिकल है, 450 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। जो पार्ट है वो 26 के आसपास हो चुके हैं, 26 पार्ट हो चुके हैं, और जो आपकी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां ये अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, कितनी 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो ये अनुसूचियां जो भी शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, शेड्यूल से 100% क्वेश्चन आना सुनिश्चित है कि पहला शेड्यूल क्या है, राष्ट्रपति के अलाउंस हैं वो कौन से शेड्यूल में है, ये सारी चीज़ें मैं एक शेड्यूल की वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वीडियो चेक करिए, वहाँ से शेड्यूल का क्वेश्चन 100% निकलेगा एक। अब हम आज के जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 3 नंबर चुके हैं, 4 है। 4 ये कह रहा है कि ये जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नामांकित सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है, यानी जो कि राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, वो किस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। पहली चीज तो ये निकाल लीजिएगा, रफ कर देते हैं, पहली चीज तो ये है कि ये भाग कि राष्ट्रपति 12 मेंबरों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा, ये कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, एग्जाम में आता है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी बात, वो कहां कहां से होंगे, 8 आपकी कला से होंगे, ठीक है, 8 लिटरेचर साहित्य से, लिटरेचर कला साहित्य साइंस विज्ञान और आपका जो होता है सोशल एक्टिविस्ट, यानी जो कि सामाजिक कार्य करते हैं वहां से लिए जाएंगे। तो आपका जो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन है साहित्य विज्ञान कला एंड सामाजिक सेवा, यहां से राष्ट्रपति इस फील्ड से उनको सिलेक्ट करता है। जो सचिन तेंदुलकर का हुआ था जब, तो वो सोशल एक्टिविस्ट के कारण हुआ था, ना कि स्पोर्ट्स का, क्योंकि स्पोर्ट्स का कोई भी प्रोविजन है ही नहीं। आज का जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होते हैं। देखिए यह याद रख लेना, जो कि संसद है ना, संसद में होंगे राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, और जो राज्यों की होंगी, जो राज्यों में बात करेंगे तो राज्यों में होगा राज्यपाल प्लस विधानसभा, और जहां जहां विधान परिषद हैं जो कि 7 स्टेटों में हैं वहां पे विधान परिषद, मैं स्टेट बता चुका हूं कौन कौन से में है, ये शामिल होंगे राज्यों में ये हैं, और जो सेंटर की बात होंगी संसद की वहां पे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। हमारा जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है, हाल ही में लोकसभा ने फिल इन द ब्लैंक्स में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। देखिए जो कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वह सबसे पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल, जो कि मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर की, वहां पे स्थापित होगा,
कहाँ पे, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में स्थापित होगा। ये इस तरीके का यानी खेल विद्यालय, ये पहला खेल विद्यालय है, इसके लिए ये पारित हुआ था विधेयक 2017 में, और इसके लिए बजट को 100 करोड़ आवंटित किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 100 करोड़ आवंटित किए थे। अब हम आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मुंह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन क्या है, यानी मेड़े मस, जो कि मैंने मेड़े मस क्या है, देखिए एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें कि आपको सारी आर्ट के सारे आपको क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स सभी के सभी मैंने बताए हुए हैं, आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वहीं से बना है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 से ये क्वेश्चन बना है। तो मेड़े मस क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करते हैं कि मेड़े मस होता क्या है, राइट। तो देखो जो मेड़े मस होता है, मेड़े मस का मीनिंग होता है वी कमांड, ये मेड़े मस का मीनिंग होता है। मेड़े मस का क्या मीनिंग होता है, वी कमांड, ये जो कमांड होती है यह कोर्ट के द्वारा दी जाती है। कोर्ट के द्वारा किन्हें दी जाएगी, जो कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड गवर्नमेंट, लोअर कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो आपकी दूसरी कोर्ट होती है उसमें लोअर कोर्ट में भी दी जाती है, प्लस आपकी जो ये होती है कॉरपोरेशन की जो सोसाइटी होती है उसमें भी, और ये ट्रिब्यूनल इनमें ये सभी के सभी कमांड दी जाती हैं, जो कि अपर कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होती हैं, ठीक है। और ये जब जारी की जाती हैं, जब ये पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये जितने भी हैं ये अपना काम, अपनी जिम्मेवारी अच्छे से न निभाएं तब ये जारी की जाती है। और ये किस क्षेत्र में, किस एरिया में ये जारी नहीं होती, ये जारी नहीं होती आपकी प्राइवेट बॉडी, जितने भी प्राइवेट और इंडिविजुअल बॉडी हैं, और जो इंडिविजुअल बॉडी हैं उसमें ये जारी नहीं होती, ठीक है। अगेंस्ट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं होती, गवर्नर के अगेंस्ट नहीं होती, जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं, जितने भी चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ भी ये जारी नहीं होती। और सम और कुछ प्रकार के जो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके विरोध में ये जारी नहीं होती, ठीक है। जो आपने ये किया, ये क्या नाम है, मेंडेमस किस किस के लिए जारी होती है, वो हम मेंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड, ये हायर कोर्ट के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, किस किस को जारी की जाती है, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, इनको ये जारी की जाती है। जब वे अपने काम, अपनी जो जिम्मेवारी अच्छे से न निभाएं तब उनको ये जारी की जाती है। और ये किन को जारी नहीं की जाती, ये जारी नहीं की जाती प्राइवेट, जो कि प्राइवेट जितने भी हैं, ठीक है, प्राइवेट कोई भी एजेंसी है उनको। और इसमें एक और आएगा, इसमें आएगा आपका क्या, ये कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन है वो भी इसी में आता है, ठीक है। जो भी प्राइवेट या इंडिविजुअल जो भी प्रॉपर्टी उसमें प्राइवेट एजेंसी में, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, चीफ जस्टिस के लिए और कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जारी नहीं की जाती। अब हम आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू प्राइवेट, टू प्रोवाइड स्टेटस टू द पंचायती राज वाज ब्रॉट इनटू फोर्स, इंस्टीट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स, यानी कैसे, ये पूछ रहा है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कब से लागू हुआ, वो भाई अप्रैल 1993 से इंप्लीमेंट किया गया था। केवल यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कब से वह लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर रहा कि इंडिया कॉम्प्राइज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, अब सबको पता है कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी, 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन होगा,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इमोलमेंट्स, इमोलमेंट्स होता है कि लाभ भत्ते जो भी होते हैं, जो सैलरी होती है, एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज मेंशनड। ये आर्टिकल नंबर 59(3) में मेंशन, आर्टिकल नंबर 59(3) में है। आर्टिकल नंबर 61 में ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति को जो इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जाता है, इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया गया है, वो आर्टिकल नंबर 61 में उसका वर्णन है। यानी 59(3) में उनके लिए जो सैलरी और जो अलाउंस होंगे उनका वर्णन है, और जो 61 है उसमें इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है, महाभियोग जिसको कहते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो आज हमने जो कि DSSSB PRT के जो क्वेश्चन थे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो एग्ज़ाम 6/10/2018 को कंडक्ट हुआ था, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून शिफ्ट में, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी ये लगा लो कि एवरेज हर एक एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वो 10 के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आपको रोज़ की एक वीडियो मिल रही होगी इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो इस कड़ी में नेक्स्ट वीडियो आपको कल अवेलेबल होगी संडे को। तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना।